one annoying thing about each other. Okay, I'll tell you. जिब्रान यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू से ऑलरेडी नो आई डोंट नो जिब्रान का ये है कि जिब्रान को गुस्सा आता है तो जल्दी आ जाता है. अच्छा तो ठीक है, इट विल शूट अप एंड विद इन हाफ एन आवर इट विल गो डाउन, राइट? ओके, तो वो मेरे लिए बड़ा एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि यू नो ये चीज़ मुझे ये पढ़ना नहीं पसंद है, ये मैं नहीं बात करूँगा ऐसे, और दो दिन के बाद अच्छा उसको घर बुला लें. And I'm like, ये कौन सा एंटी क्लाइमैक्स था, मतलब कि ये कौन सा गुस्सा है जो इतना जल्दी you know, वो चला जाता है. Because I'm, मेरा गुस्सा ठहरने वाला गुस्सा है. खुद इन्होंने कहा था हम जज्बात हैं तो इंसान है. हाँ, तो इनके जज्बात हैं अल्हम्दुलिल्लाह. ये रियलाइज भी कर लेते हैं जब जज्बात मिसप्लेस इमोशंस हो तो फिर मेरा गुस्सा अगर नाजायज है तो फिर मैं माफी मांग लेता हूं. हाँ, पर वो खत्म भी हो जाता है और फिर दोस्ती भी. ये बड़ी अच्छी बात भी है, लेकिन ये थोड़ा ये भी होता है कि ये क्या था. कभी कभी होगा कि हम बात कर रहे होंगे पूरे वाक्य की और आखिर में होगा कि यूसुफ मर था की औरत या सुलेखा मर थी की औरत, वो जो नहीं यूसुफ सुलेखा जी, 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 पहले तो कभी नहीं कहा. मतलब कि कहने का मकसद है कि एट टाइम्स इट टेक्स अ टाइम टू यू नो ग्रास्प के सारे कैरेक्टर्स कौन है, कहानी क्या है, कोई भी चीज डिस्कस कर रहे हैं और देख रहे हो. अच्छा, कभी कभी स्पेस आउट कर देते हैं. नहीं, आई एम अ बिग स्पेस आउट. ये कौन था, ये क्या था, स्पेस आउट. मैंने काफी उस आर्ट को मैंने फुल निभाया है. ठीक, best quality in each other. She tolerates me, she hates her dancer. मतलब कि मेरे साथ निभाना जो है मैं एक deserve नहीं करता इतना अच्छा एक जीवन साथी मेरे ख्याल में. तो मैं तो मशकूर हूँ इनका इस हवाले से कि she does. Because I am an obnoxious person and I think through her patience I have now tried to calm down a little and be more normal with things. तो ये है पढ़ाई का कि एक अच्छा साथ है. ये सियासी जवाब नहीं था, आई कैन टेल. अच्छा, नो, ही मींस इट. आई नो दैट दैट्स समथिंग ही सेड टू मी. सो सो द थिंग आई लव अबाउट लवी थम, थिंग आई लाइक द मोस्ट, आई लव द मोस्ट अबाउट हिम इज, आई मीन मेनी थिंग्स, बट आई थिंक मैं जिस किस्म के इंसान हूँ, मेरे लिए अपनी जो जज्बात हैं या जो मेरी फीलिंग्स हैं ना, उनको डिफाइन करना बहुत, आई फाइंड वेरी हार्ड टू शेयर व्हाट आई एम फीलिंग. रियली नॉट, हां, अदरवाइज आई एम वेरी, आई मीन यू डू इट फॉर अ प्रोफेशन वंचा. या सो आई थिंक आई हाइड बिहाइंड कैरेक्टर्स हु कैन डिफाइन देयर इमोशंस वेरी मच बेटर देन आई कैन. तो मेरे लिए एक्चुअली जो मुझे चीज बुरी लगती है या स्पेशली जो चीजें मुझे बुरी लगती हैं वो, या कोई भी ऐसी चीज शेयर करना जो थोड़ी सी कह दें सेंसिटिव है, वो मेरे लिए मुश्किल होता है. So he's a very easy person to talk to. So for somebody like me, you know, even after alhamdulillah काफी जो भी time हो चुका है हमारा साथ, अभी भी मैं कभी-कभी, you know, I'm just like I'm treading very easily, and once I say something, his reaction is alhamdulillah so mature and like अच्छा reaction. I think एक औरत के लिए जब उनका life partner उनको just एक confidence दे कि आप अपना दिमाग और दिलो दिमाग, that you can be friends, that you can in the truest sense कि आप एक दूसरे को वो जगह दे सकें अपने शेयर करने के लिए, वो एक्चुअली एक बहुत बड़ी चीज है और एक बहुत छोटी चीज है, एक बहुत बड़ी चीज है कि आपको वो स्पेस मिले. देखिए, एक तो ये होता है ना, आपको कैसा जीवन साथी चाहिए, तो पहले लोग कहते थे खूबसूरती के बारे में बात करते थे. अच्छा, फिर फैशन में आ गया कि लोग कहना शुरू हो गए कि जी वो भी एक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हो, मुझे इंटेलेक्चुअली चैलेंज करे या हेडस्ट्रॉन्ग हो. एक हेडस्ट्रॉन्ग इंसान की ख्वाहिश रखना और एक हेडस्ट्रॉन्ग इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना, ये दो बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं. आपको दूसरे को हक देना है तो अपनी स्पेस कंसीड करनी है. और मैं शुरू से ऐसा नहीं था, आई ऑल्सो ग्रोन एंड बिकम इमोशनली मैच्योर. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक तो ये हैं उस हवाले से अपने एक्सप्रेसिव में हेडस्ट्रॉन्ग है, और दूसरा ये करती भी हैं, और इट इज़ ओनली फेयर बिकॉज मुझे भी मुकम्मल आज़ादी है इस रिलेशनशिप में अपनी कोई भी ज़हनी कैफियत उसका इजहार करने की. तो एक सेफ स्पेस हम दोनों शेयर करते हैं, और बेस्ट बात यह है कि वो जज नहीं करता कोई दूसरे को. बिल्कुल, दैट इज, आई फील दैट इट्स, आई हैव मेट अ लॉट ऑफ मेन हु, अच्छा ये मैं अपने पर्सनल, जी जी, दिस इज नॉट यू नो अबाउट इन जनरल क्या होता है, ये मैं अपने पर्सनल बात कर, अपने एक्सपीरियंस दैट आई हैव मेट अ लॉट ऑफ मेन जो कहते हैं कि हाँ देखिए औरतों के हकूक कैसे होने चाहिए, और हाँ औरतों को पता वो जगह होनी चाहिए टू बी एबल टू से व्हाट दे फील, और जो उनके एम्बिशंस हैं उनको
रियलाइज करने की भी जगह होनी चाहिए, लेकिन वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में वो चीज़ अडॉप्ट नहीं कर पाते बिकॉज जो अपने उनके प्रेशर्स होते हैं फैमिली की तरफ से और बाकी चीज़ों की तरफ से, अपनी जब वो किसी को अपने घर ले आते हैं या उनकी बीवी होती अमल नहीं कर पाते, वो अपनी ज़िंदगी के उनके ख्यालात बेशक वो हों लेकिन वो अपने हद तक उस चीज़ को निभा नहीं पाते फॉर वट एवर प्रेशर्स दे हैव. सो आई फील दैट दैट इज़ समथिंग दैट अलहमदिल्ला दैट इट्स नॉट जस्ट he's not just saying it, yeah. he's applying apni zindagi mein uski application bhi hai. Agar I don't just tweet it, I mean it. Catchphrase. Nadia. for somebody like me, that is, I don't just want ke aap wo soche, I want ke wo uski application bhi to ho taaki mujhe fayda ho na zindagi mein, we can converse more easily. Aap dono mein se khana kaun zyada acha pakata hai? Nahi. चूंकि चाय खाना नहीं है. This is not true. I am a good cook. मैंने जिब्रान नहीं ऐसी बात है नहीं मैं ये but I think it's very sexy that Jibran is maybe a better cook. Very sexy, I would say that. But मैं ये नहीं कहूंगी कि I don't cook. She does cook, but I just consider myself. I think I'm more finicky about food and how it should taste and be like that. And she's not as finicky. तो मे बी मैं अपने आप को थोड़ा एक फूड स्नॉब भी समझता हूँ. अच्छा, तो हाँ. अगर कुछ अगर बनाऊंगा भी तो फिर उसको उसी तरीके से एफर्ट ज्यादा ये करते हैं इन द सेंस के यू नो के मेरी बर्थडे होगी तो उस पे भी ही यू नो मेक समथिंग हिमसेल्फ एंड यू नो इस दफा कुछ बनाया क्योंकि मैंने इस दफा तो एक सरप्राइज इस दफा तो वो था मुझे बुला लेते अगली दफा बुला लीजिएगा मुझे बिल्कुल ठीक है मुझे पता ही नहीं था कि आप यहाँ जिब्रान को कह रही हूँ मैं अगली दफा तो ये कि पर वो एफर्ट ज्यादा ब्राउनी पॉइंट्स में मिलते हैं क्योंकि यू नो ही इज़ तो इसलिए लेकिन जी नहीं ऐसी बात नहीं कि आप ज्यादा अच्छा बनाते हैं. आई डू नॉट कंसीड. अच्छा मुझे बताएं कि बकेट लिस्ट होती है आजकल बहुत ज्यादा तो इसमें है पांच चीजें जो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा है तो आपकी बकेट लिस्ट पे तीन चीजें क्या है टू डू इन योर लाइफ. तो मुझे कोई ऐसी खास हसरत तो नहीं है कि ये करना जरूरी है. जब तक जी रहे जितना जी रहे हैं तो भरपूर जी रहे हैं बट ऐसा कोई फील नहीं होती चीज़ के एक मखसूस चीज़ करनी है या ये ख्वाहिश पूरी करनी है या कोई जगह देखनी है किसी शख्सियत से मिलना है ऐसा कुछ मेरे ख्याल में. मुझे ब्राज़ील जाने का बहुत शौक है तो आई वांट टू गो वन डे. ऑफ कोर्स ये शौक है बट दिस इज नॉट ऑन माय बकेट लिस्ट. आई वुड से दैट यू नो दैट ओ दिस आई यू नो यू नेवर नो हाउ लॉन्ग योर लाइफ इज सो स्पेशली विद कोविड दैट आई फील दैट हर जो हमें जो दिन मिल रहा है जीने का उसको सेलिब्रेट करना बड़ा जरूरी है इन द सेंस के टू बी हम सही हैं हमारे खानदान में सब सही है बहुत ही एक बड़ी बात है इस साल के लिए. मैं दो बातें कर देता हूँ ओवरकमिंग फेयर्स के बारे में. जी डीप सी डाइविंग क्योंकि समंदर से डर लगता है और वो जो होती है जंपिंग हवा कहते हैं जो बकेट लिस्ट में सवाले से है कि ये कुछ मेरे खौफ हैं जिनको मैंने अबूर करना उसके ऊपर को रोलर कोस्टर से नहीं मुझे बाय द वे बचपन में बहुत पसंद थे अब मुझे इतना डर लगता है ये रिग्रेशन जो हो रही है ना मेरी लाइफ में. मुझे नहीं आता एक आर्टिकल के वो हजार दो दस हजार केसेस में एक बंजी जंपिंग की स्नैप जाती है पर हम लाइक आई डोंट वांट टू बी दैट पर्सन तो मैं इसलिए इन चीजों से ना एडवेंचर स्पोर्ट्स से मैं दूर रहा हूं. नहीं लेकिन बकेट लिस्ट का मतलब है कि आपको वो करना है तो आपको ये करना नहीं इन द सेंस से मुझे एक चीज होती है कि मैंने पूरा बचपन जो है वो रोलर कोस्टर्स अवॉइड किए मैं नहीं बैठा तो मैं सुना की जो राइड्स वगैरह भी बिकॉज हम लाइक मुझे वो बंदा नहीं होना जो एक कई मिलियंस में एक होता है हादसे में. सो एडवेंचर स्पोर्ट्स वैसे अक्सर मुझे लोग कहते रहते हैं कि तुम की बड़ी बातें करते हो उसकी तो बड़ी हिम्मत चाहिए बट हर बंदे का अपना खौफ होता है तो मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है वो बट अगर बंदा उस एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस के लिए ऑफ कमिंग ओवर योर ओन फियर डीप सी डाइविंग करने जाऊँ या वो पैरा जंपिंग करने जाऊँ तो हाँ आई वुड लाइक टू डू दैट टू एक्सपीरियंस दैट साइड ऑफ माई ओन पर्सनैलिटी कि हाउ डू आई रिएक्ट टू दैट नाउ हाउ आई फील आफ्टर ओवरकमिंग इट. ठीक है तो नाउ यू हैव टू टेक हिम. नो नो आई हैव नो सच एस्पिरेशंस टू डू एनी. मैं आपको कभी फिर चलना है फिर अगर आपने कह दिया नहीं वी विल प्रोबब्ली एंड अप फाइटिंग बिकॉज़ यू नो शी विल बी लाइक अच्छा कर भी ना जंप पीपल आर वेटिंग इन लाइन एंड आई विल लाइक डोंट पुश मी आई विल बी लाइक बैड आई विल बी जस्ट स्टैंडिंग देयर ऑन द क्लिफ एंड आई विल लाइक दिस इज अ बिट अच्छा ओके सो आई विल प्रोबब्ली मेक एवरीबॉडी वेट बिहाइंड मी फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. So I don't think I have anything on my bucket list. Alhamdulillah, most of the things that I have wanted in the sense that, you know,
I'm in a good place. Alhamdulillah, मेरी ज़िंदगी में मुझे अभी अभी ऐसा कुछ नहीं है कि of course मेरे ambitions हैं, my career is concerned, I want मुझे और अलग अलग किस्म की चीज़ें करनी हैं, वो बड़ी multi-fold चीज़ें, पर ऐसा नहीं है कि you know before I die there's this one place I have to go or या ये मुझे ये वाली चीज़ खानी है, ऐसा कुछ नहीं है. अच्छा. Yeah, I'm pretty content. मंजा, who inspires you? So many people. मैं एक इंसान का नहीं कह सकती. मैं जिब्रान की कुछ आदतें देख के उनसे इंस्पायर होती हूँ. मैं सोचती हूँ यार ये तो बड़ा ये दिस इज द राइट वे टू थिंक और दिस इज द राइट वे टू डू समथिंग. यही है राइट चॉइस. हाँ ना.